सुदामा पकड़ो पकड़ो सुदामा। मधुमंगल पे प्रहार किसने किया? दैत्य दानव हमारे वृंदावन में दानव भागो। महासुर जमली की जय। महासुर जंबाली की जय। महासुर जमली की जय। आला एलाओ अब तुम सब असुर बनोगे और असुर बनने से तुम सबको कोई नहीं रोक सकता। और ये माला जिस मनुष्य के गले में पहनाई जाएगी वो मनुष्य नहीं रहता। पूर्णिमा की रात्रि के दिन तुम सब मनुष्य दानव में परिवर्तित हो जाओगे और कभी मनुष्य नहीं बन सकते। हम तब से एक दानव सेना का महानिर्माण होगा। मित्रों घबराओ नहीं, इस औषधि से तुम्हारी पीड़ा कम होगी। पता नहीं मैया की क्या दशा की होगी उन दानवों ने। नहीं सुदामा, काकी को कुछ नहीं होगा। श्री हरि तुम्हारी मैया को और सभी गांव वासियों को शीघ्र यहाँ ले आएंगे। ये बताइए कि आपकी ऐसी दशा किसने की? कौन कर रहा है दुष्टता? ये विनाश मैं करवा रहा हूं। मैं हूँ असुर राज जमाली। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज जमाली। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज ज्वाली। इस पूर्णमासी की रात्रि तक ये मूर्ति अवश्य पूर्ण होगी। दानवों के देवता की इस मूर्ति की स्थापना होगी और उनकी स्थापना होते ही ये सारे मानव दानव बनने लगेंगे। और वो विष्णु जो इस पृथ्वी लोक का रक्षक है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि वो स्वयं इस पृथ्वी पर एक मानव रूप में है। अब हम इन सभी लोगों को दानव बनाकर उसके समक्ष युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे। फिर जो संघर्ष होगा उसमें दोनों ओर से जय हमारी होगी हमारी। सृष्टि के रचयिता के पास ही इसका हल होगा। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवताय नमः। ओम ब्रह्म देवताय नमः। ओम ब्रह्म देवताय नमः।
प्रणाम नारायण। हे ब्रह्मदेव, आप हमें दानव जामली का अंत करने के लिए कोई उपाय बताइए, शीघ्र अति शीघ्र। हे हरि, समुद्र में ही इस जामली दैत्य की मृत्यु संभव है। समुद्र में प्रवेश करना होगा। ये क्या हो रहा है गाना? धाव, ये जमाली की माया है। वो तो हमें समुद्र में जाने से रोक रहा है। रात्रि तुम सब मानवों को एक नया जीवन मिलेगा, नया दानव जीवन। काना, अब हम क्या करें? इन लहरों के कारण हम समुंदर में उतर नहीं पा रहे। दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए। जितनी शक्ति लगानी है लगा लो जमाली, किंतु तुम अपनी शक्ति से अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते। अपनी मृत्यु को मैं अपनी शक्ति से रोक सकता हूँ। तुमने अभी मेरी शक्ति देखी कहाँ है कृष्णा? आगे कैसे बढ़ेंगे? जमावली की माया के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है। धाऊ, इस समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और हमारे भ्राता जमाली कहाँ है? येरा मेरा पंचजन्य संग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ?
हे नारायण, इस जामवाली दैत्य की मृत्यु पंचजन्य शंख की ध्वनि सुनने से ही हो सकती है। हमारे भ्राता जमाली को तुमने मार दिया, अब तुम नहीं बचोगे कृष्णा। हमारे भ्राता जमाली को तुमने पंचजन्य से अंत कर दिया, लेकिन हम लोग इस शंख से नहीं मरने वाले। शेष बचे दोनों दैत्य जामवाली और ज्वाली अपने अपने प्राणों को एक दूसरे के शरीर में स्थानांतरित कर लिया है, और जब तक ये दोनों दैत्य एक दूसरे के प्राणों को नहीं हर लेते, तब तक इन दोनों दैत्यों को मारा नहीं जा सकता। तो कई अधिक शक्तिशाली तुम्हारा भ्राता जवाली है, और तुम मुझे पराजित अवश्य कर सकते हो, किंतु तुम्हारे भ्राता को नहीं। सारा राज्य प्राप्त होने के पश्चात वो तुम्हें अपना दास बनाएगा और स्वयं दानव महाराज का राजा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम असत्य बोल रहे हो। सत्य जब पहली बार सुनते हैं तब वो असत्य ही लगता है। यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो वो देखो। मैं मेरे भ्राता जमाली को राजित करके अपना दास बनाऊंगा, और इस विशाल असुर राज्य का एक मात्र शासक बन जाऊंगा। अपना दास बनना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। मुझे दास बनाने दे रहा था जवाली। आज परीक्षण हो ही जाए असुर साम्राज्य का शासक कौन है। ये क्या हो गया तुम्हें?